Hello friends, welcome back to BFSC Fisheries online class. This is my new lecture on aquaculture engineering part, that is pump. Since we have already completed the freshwater pond and about aeration, in my last PPT, you may check my uh, the videos which I already uploaded on aeration and the freshwater pond so this is about the pump so in this lecture we will talk about the use of pump and uh, most probably we will talk uh, about the centrifugal uh, pump and how the it function and the principle of centrifugal pump so let's begin with the pump part now uh, the pump is a very important part in aquaculture because it helps to lift the water इन हाइड्रोलिक सिस्टम हाइड्रोलिक सिस्टम में पंप का बहुत यूज़ होता है ये एक प्रेशर क्रिएट करता है जो कि वाटर को अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है मेन पर्पस यहाँ पे ये यह होता है कि हमें वाटर को हाई प्रेशर तक ले जान मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ले जाना है यहाँ जो पंप होता है वो मेनली उसका पर्पस क्या होता है कि वो मैकेनिकल आई कैन राइट हेयर मैकेनिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी में तो यहाँ पे पंप का यही काम होता है कि वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करता है ताकि हम लोग उस वाटर को जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ ले जाएं तो पंप का सिलेक्शन यहाँ पे बहुत मायने रखता है क्योंकि अगर हम लोग पंप का अच्छा सिलेक्शन नहीं किए तो वो ऑपरेशन कॉस्ट को बढ़ा सकता है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पंप का क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है वो वाटर को लिफ्ट करने में हेल्प करता है उसके बाद अगर हम लोग को कहीं टैंक में एक्सचेंज करना होता है वाटर को तो उसमें भी पंप हेल्प करता है फिर ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एक कंट्रोलर के जैसा हेल्प करता है एरेशन के लिए भी इसका हेल्प होता है इसमें इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है लेकिन इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है तो ये सारे पर्पस हुए पंप के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पंप का मेन पर्पस क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी में इससे वाटर में मेनली एनर्जी आ जाती है और वो एनर्जी का यूज़ होता है उसको अपलिफ्ट करने में तो ये लिफ्ट करता है वाटर को हायर एलिवेशन तक और इसमें मेन पर्पस होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का तो हम लोग बात करेंगे कि पंप में क्या क्या आ, पर मतलब उसका कैसे कैसे फंक्शन होता है ये देख सकते हैं आप पंप है इसके बेनिफिट्स दिए हुए हैं जो अभी हमने कहा था लिफ्ट वाटर एक्सचेंज में हेल्प करता है अगर हम लोग को वाटर में एक्सचेंज करना है किसी भी टैंक को अगर खाली करना है तो उस समय फिर स्क्रीनिंग के जैसा ये हेल्प करता है क्योंकि नीचे में जो फुट वाल्व होते हैं जब हम लोग पंप का एक डायग्राम देखें तो नीचे में फुट वाल्व होते हैं तो ये फुटबॉल क्या करता है उसमें एक स्क्रीनर लगा रहता है जिससे जो भी वाटर उसके अंदर आएगा वो उसको प्योरीफाई कर देता है मतलब उसमें कुछ भी डेबरीज ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं होते ये हुआ उसका एक पार्ट फिर होता है इनिशियल कॉस्ट मोर होता है लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट लेस होगा एयरेशन में हेल्प करता है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में हेल्प करता है हम लोग सबसे पहले टर्म्स देखेंगे जो कि पंप में यूज़ होता है ये एक सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात की जा रही है जो कि टर्म्स दिए हुए हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे सक्सन पाइप जो लिखा हुआ है वो एक सक्सन हेड है मतलब जो वाटर लेवल होता है उसका और जो इम्पेलर है इम्पेलर यहाँ ये कहा जा रहा है ये इम्पेलर है ये जो केसिंग है यहाँ पे इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है कि जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस वाटर के सरफेस में और जो सेंटर लाइन होता है इम्पेलर पंप का उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग सक्सन हेड कहते हैं तो पहले हुआ सक्सन हेड जो कि डायग्राम में जस्ट दिया हुआ है अब जब हम लोग इम्पेलर हेड के बाद हम लोग देखेंगे जहाँ हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं वाटर उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं डिलीवरी हेड और जो टोटल मेजर हेड होता है मतलब इन दोनों का सम इस सम होता है दोनों का मतलब सक्सन हेड और डिस्चार्ज हेड का तो हम लोग उसको कहेंगे टोटल हेड मेजर हेड ठीक है तो ये हुआ दोनों के बीच का डिस्टेंस अब होता है डायनामिक हेड क्या क्या होता है तो इसमें जो डायग्राम में दिया हुआ है उसमें डायनामिक हेड का मतलब है जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो स्... डिस्चार्ज है, है हाइड्रोलिक हेड या हाइड्रोलिक लॉस हाइड्रोलिक लॉस का मतलब है कि जो फ्रिक्शन से और या एल्बो या रिड्यूजर वाल्व से जो लॉस होते हैं हम लोग उसको हाइड्रोलिक लॉस कहते हैं तो इन सब के सम को वेलोसिटी हेड के सम को हम लोग टोटल हेड कहते हैं तो ये हुआ टर्म्स जो भी हम लोग यूज़फुल है अब हम लोग आगे बात करेंगे कि इसमें जो जो आई ऑफ इम्पेलर है उसका क्या यूज़ है केसिंग का क्या यूज़ है और फुटबॉल जो हम बताए थे यहाँ पे ये दिया हुआ है फ़ुटबॉल में स्ट्रेनर लगा रहता है वो वो जब पम्प वाटर इसमें जाते हैं तो वो उसको प्योरीफाई कर देता है जिससे कि उसमें कोई वेस्ट ना आ जाए हम लोग पंप के क्लासिफिकेशन को देखते हैं पहले पंप को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है पहले होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और दूसरा होता है डायनमिक पंप जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है उसमें जो मेन है वो है रेसीप्रोक्रेटिंग एंड रोटेटरी पंप और जो दूसरा डायनमिक पंप है उसमें डायफ्राम पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप आते हैं जो मेन डिफरेंस होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप का कि जब हम लोग लो तो को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करते हैं तो उसमें प्रेशर को हम लोग चेंज कर सकते हैं लेकिन पॉजिटिव डिसप्लेसमेंट में जो प्रेशर पहले से रहता है वही रह सकता है हम लोग उसको बार बार नहीं चेंज कर सकते तो यहाँ पे हम लिख के बता दे रहे हैं जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है और जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें फ्लो कैन वैरी विथ चेंजिंग प्रेशर मतलब इसमें फ्लो वैरी करता है जब हम लोग प्रेशर चेंज करते हैं और जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसमें फ्लो वैरी नहीं करता है जब हम लोग प्रेशर बदल वन मिनट यहाँ पे फ्लो कांस्टेंट है और यहाँ फ्लो वैरी करता है फ्लो वैरीज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सेंट्रीफ्यूगल पम्प होता है उसमें फ़्लो वैरी करेगा जब हम लोग प्रेशर बदलते हैं मतलब चेंज करते हैं जब हम लोग प्रेशर तो फ्लो वैरी करता है और जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प होता है उसमें कॉन्सटेंट रहेगा फ़्लो हम लोग सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करते हैं जैसा कि फिगर में दो तरह का सेंट्रीफ्यूगल पंप दिया हुआ है एक वॉल्यूट तरह का और एक सेंट्रीफ्यूगल पंप जो मेनली यूज होता है तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का मैक्सिमम यूज होता है मतलब नाइन्टी परसेंट एक्वाकल्चर पॉन्ड में हम लोग देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का ही यूज होता है इसके तीन जो मेजर पार्ट होते हैं वो है पावर यूनिट पंप शाफ्ट और इम्पेलर पावर यूनिट का मतलब होता है उसका मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर जो ये मोटर है वो तो इसमें क्या होता है कि पंप शाफ्ट जब पावर यूनिट जब रोटेट करता है तो वो पंप शाफ्ट को भी जो यहाँ पे शाफ्ट दिए हुए हैं वो भी रोटेट होएंगे और उसके साथ फिर वो इंपेलर को रोटेट करता है तो यहाँ जो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है तो सबसे पहले जब मोटर रोटेट हुआ तो फिर पंप शाफ्ट रोटेट हुआ उसके बाद फिर एम्पेलर रोटेट हुआ जब इम्पेलर रोटेट करता है तो यहाँ से वाटर आएगा और ये वाटर इम्पेलर के साथ रोटेट करता है जब इम्पेलर रोटेट हुआ तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी रोटेट किए इससे क्या होता है कि इसमें प्रेशर कम हो जाता है यहाँ पे तो हाई प्रेशर था जिससे कि यहाँ जब वाटर मॉलिक्यूल्स जब रोटेट हुआ तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा प्रेशर कम हो जाने के कारण यहाँ से जो ये वाला पार्ट है वहाँ से मतलब पाइप के सहारे वाटर आएगा जो वाटर चाहिए उसको पम्प जिसको हम लोग को लिफ्ट करना है वो वाटर वहाँ पे आएगा और वो भी साथ में रोटेट होएगा और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लगने के कारण ये ऊपर की ओर मतलब डिलीवरी पाइप से ऊपर की ओर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे केसिंग लगा होता है तो वो केसिंग उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि वो डिलीवरी पाइप की ओर आगे बढ़ जाए ये बात हुई वर्किंग की जो भी तरह का सेंट्रीफ्यूगल पंप है मेनली हम लोग देखते हैं दो तरह का सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वॉल्यूट और एक होता है डिफ्यूज़र टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप तो ये दोनों का एक ही काम होता है लेकिन वो दोनों का डिज़ाइनिंग मेन डिफरेंस डिज़ाइनिंग में है तो हम लोग देखें अभी इसका फंक्शन क्या होता है फिर हम लोग उसके पार्ट्स की ओर देखते हैं पार्ट्स में मेन होता है यहाँ पर दिया हुआ है सक्शन पाइप मोटर और उसका डिलीवरी पाइप तो सक्सन पाइप जैसे कि फिगर में दिया हुआ है सक्सन हेड जैसे हम लोग जान रहे थे पहले हम लोग देखें कि वाटर सरफेस और जो इम्पेलर आई है उसके बीच का डिफरेंस है तो यहाँ सक्सन पाइप का मेन काम होता है कि वाटर को अपलिफ्ट करना तो सक्सन पॉइंट वाटर को सक करेगा जो भी सोर्स है वाटर का उससे और उसके बाद उसको डिलीवरी पाइप में ले जाने का उसका काम है तो इसमें हम लोग बहुत इसमें देखा जाता है कि वो वाटर टाइट हो ताकि उसमें से बाहर वाटर ना लीक करे उसके बाद एक फुटवॉल में स्ट्रेनर लगा रहता है जो कि वाटर प्योरीफिकेशन का का काम करता है तो इसके बाद फिर हम लोग मोटर की ओर बढ़ते हैं जो सेकेंड पार्ट होता है मोटर का वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जो कि मेन उसका पर्पस होता है रोटेशन करने का जो कि पहले मोटर को रोटेट करेगा तो उसके बाद शाफ्ट को फिर इम्पेलर को रोटेट करता है तो ये एनर्जी इम्पार्ट करता है वाटर में जिसके कारण उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है और प्रेशर जिसके कारण वो रोटेट करता है हाई स्पीड में उसके बाद ये ए, केसिंग जो उसमें लगा होता है उसको वाटर को गाइड करेगा ताकि वो इम्पेलर से निकलकर आउटलेट यानी डिलीवरी पाइप में जा जाए इससे उसका प्रेशर वहाँ पे पहले कम हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण वो आगे यानी डिलीवरी पाइप की ओर चला जाता है ये तो हुई वर्किंग जो कि हम लोग देखें सेंट्रीफ्यूगल पम्प का तो हम लोग अभी तक देखे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है उसकी वर्किंग कैसे होती है अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्पेलर तो मेनली थ्री टाइप्स ऑफ इम्पेलर होते हैं ओपन टाइप सेमी इंक्लोज टाइप एंड इंक्लोज टाइप ओपन टाइप का मतलब है जिसमें वेंस सिर्फ अटैच होते हैं जैसा कि फिगर में दिया हुआ है यह सवरे वेंस हैं जब अगर सिर्फ वेंस अटैच होंगे तो हम लोग उसको कहेंगे ओपन टाइप से मतलब इम्पेलर का ये ओपन टाइप है जो सेमी इंक्लोज टाइप होता है उसमें वेंस तो लगे होते ही हैं साथ में उसमें एक और लेयर लगा होता है जैसे कि फिगर में दिख रहा है ये वेंस के साथ साथ यहाँ एक वाल्व भी लगा होता है और ये इस तरह का इम्पेलर का मेन फंक्शन होता है कि जहाँ पे वाटर में सेडिमेंट्स हों वहाँ पे या सैंड हो सेडिमेंट्स या सैंड हो उस तरह के वाटर को पंप करने के लिए इस तरह के इम्पेलर का यूज़ होता है अब हम लोग तीसरा टाइप में देखेंगे इंक्लोज टाइप ऑफ इम्पेलर इंक्लोज टाइप में दोनों साइड में वाल्व लगे होते हैं और साथ में वेंस भी होता है तो ये मेन इसका पर्पज़ होता है पंपिंग जब हम लोग क्लीन वाटर को पंप करते हैं तब उसके लिए हम लोग इंक्लोज इम्पेलर का यूज़ करते हैं तो ये तो हुई पार्ट मतलब क्या क्या होते हैं इसके पार्ट और फिर हम लोग देखते हैं डिलीवरी पाइप जो कि लास्ट पार्ट था ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिलीवरी पाइप का मेन फंक्शन होता है कि वो वाटर को डिस्चार्ज करता है मोटर से लेकर आउटलेट तक उसमें चेक वॉल्व भी लगे रहते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं पंप को जब हैमर या फिर किसी भी चीज़ से जो साइज़ होते हैं उसका मतलब जो डेलीवरी पाइप का है वो साइज़ डिपेंड करेगा जो भी हाइट है मोटर का या फिर जो वाटर सोर्स है उस पर डिपेंड करता है डेलीवरी पाइप का साइज फिर अदर पार्ट में आ जाता है जो फुट वॉल्व है स्ट्रेनर है तो फुट वॉल्व का मेन पर्पस होता है वाटर को रिटेन करना या फिर सक्सन लाइन या एलिमिनेट करता है वाटर को फ्रॉम पाइप प्राइम फॉर ईच लाइन और स्ट्रेनर जो बॉटम में लगा रहता है वो फॉरेन मटेरियल जो भी है डेबरीज ये सब को एंटर नहीं करने देता ये हुई टाइप्स और हम लोग देखते हैं जो दो तरह के होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप उसमें आता है वॉल्यूट पंप और डिफ्यूज़र पंप तो दोनों के बीच में मेन डिफ्रेंस ये है कि जो वॉल्यूट टाइप का सेंट्रीफ्यूगल uh, पम्प है वो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन यूटिलाइज करके एनर्जी को इम्पार्ट करता है फ्लूड में ये मेनली वॉल्यूट शेप का होता है इसलिए इसका नाम वॉल्यूट सेंट्रीफ्यूगल पंप हुआ जैसा कि फिगर में है और फिर ये इसके सिम्पलिसिटी यानी ये बहुत आसान होता है थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आज हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल पम्प को देखा फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि प्रोपेलर पम्प या एक्जियल पम्प क्या होते हैं फिर हम लोग साथ में देखेंगे मिक्सड फ्लो पम्प और पंप की एफिशंसी तो आज के लिए इतना ही था थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब